नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। आज हम गिरते हुए शिक्षा के स्तर और नैतिक मूल्यों में गिरावट के मुद्दे पर बात करेंगे। पेश है ये खास रिपोर्ट। शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए और नैतिक मूल्य में गिरावट का जिम्मेदार कौन के मुद्दे पर स्कूल संचालकों और शिक्षकों से आइए दिखाते की गई बातचीत। मैं घनश्याम सिंह, सेक्टर 29 फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मैं मॉडर्न ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल के नाम से स्कूल का संस्थापक हूँ। शिक्षा का स्तर हमारे कुछ संस्थाओं ने गिरा रखा है, लेकिन वो अगर कोशिश करें तो उसे काफ़ी आगे ले जा सकते हैं। और हमेशा शिक्षक संस्थापक को या शिक्षक शिक्षण संस्थान को ये भावनाएं रखनी चाहिए कि बच्चों की पढ़ाई हम किस तरह कर सकते हैं, किस तरह से हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सकते हैं। हमें कभी भी किसी लालच के वशीभूत होकर के बच्चों के साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा उनके भविष्य का ही ख्याल रखना चाहिए और उसको देखते हुए हम बड़ी अच्छी मेहनत करके, अच्छा परिश्रम करके बच्चों को पढ़ाने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। नैतिक मूल्यों के लिए अगर देखा जाए तो कुछ शिक्षण संस्थाएं भी ऐसी हैं कि वो ज़्यादा गौर नहीं करते हैं, लेकिन उसके साथ अभिभावक भी ही उतना ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि स्कूल के बाद में बच्चे को पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। वो कहाँ बैठ रहा है, कहाँ उठ रहा है, और जहाँ तक ये मोबाइल वगैरह चले हैं, नेट वगैरह जो देखते हैं बच्चों को, इसे कम कर देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। बच्चे इसकी तरफ जो अभिभावक को पूरी तरह से बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए। यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में मैं सहमत नहीं हूँ कि पाठ्यक्रम में शामिल करना, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो बड़े स्कूल हैं यहाँ पर सेक्टरों में हो गए, ये हो गए, इन्होंने जो है बाकी इसको बिजनेस बना रखा है, इन्होंने स्कूल को अपना बिजनेस बना रखा है और ड्रामेबाजी ज़्यादा बना रखी है, कुछ तो दिखावा ज़्यादा है, पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं देते हैं। और जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, हम एक ऐसी जगह स्कूल चला रहे हैं जहाँ पर लेबर वर्ग ही ज़्यादातर, उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उन स्कूलों से अच्छी शिक्षा दें, उन स्कूलों से अच्छे माहौल दें उन बच्चों को। और बाकी तो इतना हम जो है ड्रामा तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी तरह ना तो हम कभी ये हो सकता है, ना हम कभी कोशिश करेंगे कि उसके व्यवसाय बनाया जाए। अब तक की खबर में इतना ही, देखते रहिए न्यूज 48।